हेलो एवरीवन, एंड ऑन योर रिक्वेस्ट, आपकी ही रिक्वेस्ट थी कि मैं ये वीडियो हिंदी में बनाऊं, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है. एंड सॉरी इफ इट्स नॉट लाइक फुलफिल्ड. सो लेटर एस, तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा लेटर एस के ऊपर, तो आज भी मैं एस हिंदी में कोशिश कर रही हूँ समझाने की. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. बस इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, एस के कई फॉर्मेशंस है, तो मैं आपके साथ सब तो शेयर नहीं कर सकती हूँ. ऑब्वियसली आपका कुछ मैच होगा और कुछ एस कुछ फॉर्मेशन मैच नहीं होगा जो मैं बताना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ आप जो आप पूछ रहे हो ना कि हमें सही वाला बताइए, तो ये आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपकी पूरी हैंडराइटिंग देखकर ही आपको चेंजेस दिया जाता है, वो भी एक एक्सपर्ट द्वारा, एक ग्राफोलॉजिस्ट द्वारा या एक हैंडराइटिंग एनालिस्ट द्वारा. ठीक है, सो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स कंटिन्यू. Okay, so you can see my screen. So the first kind of S, जो पहला तरीका है S का, अगर आपका S इस तरह से है तो आपका प्रतिकार शक्ति जो है वो कम है, आप में पेशेंस कम है, सबर कम है, क्योंकि S लेटर जो होता है ना, वो आपका मन, आपका सोच, आपका दिमाग कितना बंद है, कितना खुला हुआ है, यानी कितने ज्यादा तक सोच सकता है या कितना कम सोच सकता है, ये आपका लेटर एस बताता है. आप कितने अच्छे से पेशेंस रखते हो, सबर रखते हो, ये बताता है. आपका रिलेशनशिप कैसा है, ये बताता है. आपका मैनिफेस्टेशन, यानी आप अपने लाइफ में चीजों को कैसे आकर्षित करने की शक्ति रखते हो, ये भी लेटर एस बताता है. एंड एस फॉर सिंगिंग. सो चलो आगे चलते हैं सेकेंड फॉर्मेशन. तो जैसे ये फर्स्ट फॉर्मेशन है, सेकेंड से पहले मैं फर्स्ट को कंप्लीट करना चाहूंगी. सो जो इस तरह का फॉर्मेशन है, ओके, ये जो है, जैसे मैंने कहा, प्रतिकार शक्ति कम होती है इस इंसान में, इनमें सबर कम होता है, इनका कंसीव करने का चांसेस बड़े कम होते हैं. सो अगर आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, इट्स फॉर वुमेन, अगर आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, तो प्लीज चेक कीजिए. और आपको दिक्कत आ रही है, काफी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो, तो चेक कीजिए कि आपका एस इस तरह से तो नहीं है, है ना. एंड ऑफकोर्स आपका रिलेशनशिप भी वीक होगा, इतना अच्छा नहीं होगा आपका रिलेशनशिप. नेक्स्ट, सेकेंड, अगर आप इस तरह से नॉट बना रहे हो इसका, तो आप प्रेयर्स यानी प्रार्थना में बहुत विश्वास करते हो, और आप मैनिफेस्ट यानी बहुत अच्छे से आकर्षित करते हो अपने विशेष को पूरा करने के लिए. आपके पास बहुत सारा पॉजिटिविटी भी है, पर मैंने देखा है काफी लोग जो ऐसे एस लिखते हैं, ये बहुत बार खुद होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम अपने सर पर लेकर नाचते हैं. थर्ड, सो जैसे हम ए एस एज के इसमें लिख सकते हैं, इनफैक्ट ऐसे, यस ये वाला करेक्ट है. इस तरह से अगर आप एस लिख रहे हो राउंडेड शेप में, तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट कर सकते हो, पॉसिबिलिटी ज्यादा है. बट आपके पास अच्छा बड़ा घर है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद कर रहे हैं घर के कामों में, आप काफी लग्जरीज है आपके आसपास, यानी एक अच्छी फुलफिल्ड लाइफ है. सो इस तरह से एस के फॉर्मेशंस भी अलग अलग होते हैं, और अलग अलग उसके सिग्निफिकेंस और मीनिंग्स होते हैं, अर्थ होते हैं. तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोग ने कहीं ने कहा कि हम सही कौन सा लिखे. देखिए, सही गलत नहीं होता है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है उस तरह से आपको उसे करेक्ट करना होता है. फिर भी आई एम शोइंग यू फोर्थ वाला, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, इस तरह से एस प्रैक्टिस कर सकते हो. सो आई होप यू लव दिस वीडियो, आपके ये बहुत काम आया होगा. मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं. तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर फॉलोइंग, फॉर कॉमेंटिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स. थैंक यू, आई रियली लव द वे यू नो implement and practice and look at the video, share the video. Thank you. This is Pooja Shah, your life coach.